माने संभाल के भाई आ जाइए भाई जल्दी आइए माने संभाल के संभाल के मारिया संभाल के हो जाएगा संसार का रक्षक जब गोद में हो तब डर चिंता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। सम्राटों का सम्राट होने आया था जिसका जीवन आरंभ होते ही अंत हो गया। मर गया, मर गया। ये सारे बच्चे मर गए जी। हाँ।
राजा के सैनिकों से झूठ बोलने लगे तो इसका मतलब है कि राजा खतरे में है। क्या ये झूठ बोल रहा है? नहीं, राजा हेरोड से कोई झूठ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो मरेगा, इसलिए ये सच बोल रहा है। इसने आज मेरी बात कैसे नहीं मानी? सब बच्चे थे, वो भी बच्चा था, वो भी मर गया। मैं राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, केवल मैं इस दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, केवल मैं। तुम सोच रहे हो कि तुम उन बच्चों के काल बन सकते हो, पर तुम्हारा काल वो तुम्हारे राज्य से सुरक्षित निकल चुका है। सारे बच्चे मर गए और वो सुरक्षित है। सारे बच्चे जिंदा है और वो भी जिंदा है। तो मरा कौन? तो जिंदा कौन? सच क्या है झूठ क्या है? कहीं मैंने अपने काम के लिए गलत आदमी को तो नहीं चुन लिया? वो सुरक्षित है। आप इस गांव के मुखिया हैं, आपकी इच्छा होगी तो हमें यहां पर शरण मिल पाएगी। इन बच्चों की सुरक्षा अब आप ही के हाथ में है। मुखिया जी, हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके गांव में जो भी काम होगा हम करने को तैयार हैं। बड़ा ही है, हम लकड़ी का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। समय बहुत बुरा है, पड़ोसी राजाओं की आपस में लड़ाई होती रहती है, हमारे राजा के सैनिक भी पूछताछ करने आते रहते हैं। ऐसे में किसी दूसरे राज्य के लोगों को शरण देना हमारे लिए हमारे हित में नहीं होगा। जिसने अपने जन्म का स्थान खुद चुना हो वो अपने लिए शरण स्थल भी तय कर चुका होगा, और अगर वो स्थान यही है तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा इन्हें समझाने का। संकट में शरण न देना अनैतिकता है, लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम आपसे क्षमा याचना के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, वो रही सही कसर माताजी के प्रवचन से पूरी हो जाएगी मेरी। मुझे लगता है हम औरतों को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए।
बेटी उधर मुड़िए। आइए आइए। ईश्वर का बेटा गायब कहाँ हो गया है? उसे ढूंढना तो होगा ही। मर गया। दो सम्राटों का सम्राट होने आया था, जिसका जीवन आरंभ होते ही अंत हो गया। मर गया। इस पागल पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो इसका दिमाग इतना घूम गया है कि इस तक तो मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही। मर गया। ये मत सोचना कि मैं हार गया हूं, खेल तो अब शुरू हुआ है। शैतान के लिए ये खेल होगा, लेकिन ये सच और झूठ की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ईश्वर ने इंसान से जो वादा किया था, उसके पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। और अगर शैतान को अब भी विश्वास है कि वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है, तो उसका ये अहंकार भी जल्द ही टूटेगा। देवदूत, उसे बचा सकता है तो बचा ले तू। बचाने वाला मैं कौन होता हूं? बचाने वाले तो ईश्वर है, लेकिन यीशु को शैतान की बुरी नजर से दूर कैसे रखना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी कमजोरियां पता है मुझे। इस सुरक्षा चक्र के अंदर यीशु हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। लोग अब से यहां रह सकते हैं। पर्दे लगाने भूल गई उसके कमरे में, कहीं सूरज की किरणें उसे जगा ना दे। चिरू, 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 आ जाना वापस। इसी चिड़िया है ना चीरू, वो कहीं उड़ गई, मिल ही नहीं रही। कोई बात नहीं बेटा, दाना चुगने गई होगी, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी अपने घोंसले में। सच्ची? अरे क्या क्या कर रहे हो, रुको। दाई जी देखिए ना भैया को,
माँ ने कहा था पौधों में पानी डालने को, लेकिन ये मुझ पे ही पानी डाल रहे हैं। झूठे, पूरी बात पता, पहले तूने मुझ पर पानी डाला। कहाँ ना गलती से हुआ। कोई बात नहीं ना, तुम दोनों गीले कपड़े बदल लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी ना। जाओ जाओ जाओ, चलो। अरे अरे अरे, क्या जानवरों की तरह दौड़ते रहते हो दोनों। चलो चलो कमरे में। मैरी, इसे जरा ठीक कर दो, ये निकल गया है। अभी? मुझे तुरंत जाना है। हाँ अभी तक तो धूप से मेरे यीशु की नींद टूट गई होगी, जो संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने आया है। पता नहीं आगे चलकर उसे नींद नसीब होगी भी या नहीं, इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम बचपन में तो जी भर के सो ले। हो गया, चलिए भाई, देर हो रही है। अच्छा, मैरी, तुम कभी कभी भूल जाती हो ना कि ये ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर ने तुम्हें इसकी मां होने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस नेक काम में पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। तुम चाहती थी ना कि यीशु कुछ देर और चैन की नींद सोए। देखो, सृष्टि ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उसे ध्यान से सुनना। यीशु के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, यीशु की रक्षा के लिए आया हूं। लेकिन लेकिन किस तरह की मुश्किल है? कहीं मेरे बेटे की जान को? ईश्वर का अंश होने की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें यह खुद भी नहीं जानता। और अब ज्यादा देर तक उसकी शक्तियां छुपने वाली नहीं, कभी ना कभी तो उसके जरिए कोई ऐसा चमत्कार होगा जिसकी चर्चा दूर दूर तक होगी, और तब मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है।